नए जिम्मेदार जो हम ये देखें कितना प्यारा छुटकू सा एक करेला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा खेत जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं, हल खेतों में चलवा चुके हैं। प्रोग्राम है चावल की फसल लगाने का, और चावल की फसल लगाने के लिए खेत की जहाँ एक तैयारी ये हल चलाना था, वहाँ कुछ और भी तैयारियाँ हैं। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं कि वो कौन कौन से मराहल हैं जिनके बाद इंशाल्लाह जो है वो तैयारी शुरू होती है। फिर भी तैयारी चावल की फसल लगाने की यहाँ लगी हुई थी। ये फलियों की बेल जिसे काफ़ी अरसा से फल फूल कोई नहीं लगा था, तो ये एक फली आज मुझे नज़र आई है अचानक से, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और अब ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह इस बेल को रस्सी बांध के इस दरख्त के ऊपर जाने का, फिर देखिएगा इसके ऊपर कितना फल और कितने फूल लगते हैं। साथ ही जो सुर्ख और सब्ज पत्ते नज़र आ रहे हैं पौधों के, ये है जी फालसे के पौधे, और ये पनीरी के तौर पे लगाए थे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप पौधे जो हैं वो तैयार हो गए। अब इनमें से जो बड़े बड़े पौधे हैं उनको भी इंशाल्लाह शिफ्ट करना है, लेकिन आज जो हमारा सबसे पहला काम है जल्दी जल्दी ये खाल जो पानी गुजारने के लिए हैं खेतों के इर्द गिर्द, वो साफ़ सफाई करते हैं और जो रहते हैं वो बनाते हैं दोबारा से। खुदाल और ये स्टैंड, अपना हेल्पर कैमरा मैन ले आए हम साथ, और करते हैं आगाज़ काम का। सुबह सुबह पनीरी जो हमने लगाई हुई है उसको पानी लगा दिए। ये सारे तो वो काम थे जो मैं सोच के आया हूँ, लेकिन कंफर्म अबू जान करेंगे, क्योंकि काम सारे अबू जान ने मैनेज करने हैं, उन्होंने बताना है और करवाना है। क्या क्या काम है बोला आज अबू जी? आज एक तो नदी को पानी लगाएंगे, ठीक है। दूसरा सब्जी को लगाएंगे, उसका शाम को लगा लेंगे, ठीक है। अभी ये जो खाली पहले बनी है इसको साफ करना है, क्योंकि पानी बीजे घास फूस होगा चिंते होंगे तो वो पानी को ज़ाया करेंगे, पानी आगे नहीं जाने देंगे, इसको साफ करेंगे, ये सब कहीं से बाहर निकालेंगे। शुरू करते हैं काम। अभी जैसे कैसे करना है, कहीं के साथ ना क्रोच लेंगे, इधर से भी उधर से बाहर निकाल देंगे, या फिर ये बाहर कट जाएगा ना, बाहर नहीं बाहर निकाल। ये काम और ये तरीका कार है, वो ट्यूबवेल तक खाल जो ये है इसको साफ करना, और उससे आगे खाल जो है वो नया बनाना भी है। इसी तरफ नहीं, दूसरी साइड वाले खेतों की तरफ भी खाल जो है वो बनाना पड़ेगा। फिलहाल हम काम शुरू करते हैं इससे पहले कि धूप जो है वो ज़्यादा हो जाए, सूरज ऑलरेडी बड़ी जल्दी सर पर आ जाता है। अबू जान ने वह तरीका कार बता रही है, और अब बाकी के काम इंशाल्लाह जो है वो शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से। काम करते करते ये हाल हो गए, वो वहाँ तक खाल जो है वो तकरीबन साफ हो गए। अब पीते हैं पानी, और उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा दोबारा काम शुरू करेंगे। एक तो रेस्ट हो जाएगी, और दूसरा प्यास काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, और प्यास के साथ साथ मुझे ये भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि नाश्ता जो है वो मैंने नहीं किया हुआ। और नाश्ता किए बगैर काम पे चले जाना ये रीति रिवाज होता है, पुराने ज़िम्मेदारों की होती थी, जो कि सुबह 4-5 बजे उठते थे, लेकिन हम 9 बजे उठ के बगैर नाश्ते के काम पे आ जाएंगे तो हालत ये वाली होगी। खैर जल्दी जल्दी ये थोड़ा सा पीस जो है वो मुकम्मल करते हैं, और उसके बाद बाकी का जो काम है वो नाश्ते के बाद होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक इरादा किया था कि पीटर तक जो है वो खाल साफ़ करने के बाद ही नाश्ता करेंगे, तो वो हमारी साफ़ हो गई है, और अब चल के करते हैं नाश्ता। बस आपको दिखाते चले हमारी खाल की जो अब करंट कंडीशन है, माशाल्लाह है ना चमक रही। अब इसमें से पानी दौड़ता हुआ लगेगा फसलों को, क्योंकि आज फिर पनीरी को पानी लगा, तो बगले जो हैं वो यहाँ पे अपनी खुराक की तलाश में काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। बगले नहीं और भी परिंदे माशाल्लाह, इनके उड़ने का जो व्यू होता है ना वो क्या ही बात है। अब जी आपने करना नाश्ता? करके आऊँ, अपना करके तो हम अब कर लेते हैं नाश्ता, चारों इकट्ठे चलने हैं। ये असद का बिस्तर और आजकल डाइनिंग टेबल का जो काम है वो असद का बिस्तर ही कर रहा है, तो नाश्ता जो है वो जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और काम करने के बाद तो वैसे ही दुगनी चुगनी हो जाती है ना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हैं पराठे जो हम खाएंगे अचार के साथ। वो ऊपर सालन भी है लेकिन नहीं, हम सालन नहीं अचार ही खाएंगे। और अब दोबारा से चलते हैं अपने काम पे। पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पनीरी को पूरा हो गया, तो वो मोटर हमने बंद कर दी है। अब खाल वाला जो काम है इस एरिया का थोड़ा सा ही बाकी है, वो चलते करते हैं। अबू जान पहले यहाँ पे आ गए हैं और मेरे किए हुए काम की जो गलतियाँ वो सीधी कर रहे हैं। नए जिम्मेदार जो हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह इस खेत का खाल जो है वो मुकम्मल हो गया और अब हम फ्री। बाकी जो खेत हैं उनका खाल जो है वो नेक्स्ट टाइम में बनेगा, आज के लिए बस इतना ही था। अब चल के करते हैं थोड़ी सी रेस्ट, बहुत थक गए हैं। काम करते करते हालत काफ़ी ख़राब ही हुई है और यहाँ कॉरिडोर में आके बैठे हैं तो इंतहा की नींद आ रही है। तो मेरा ये प्रोग्राम है कि पहले जल्दी जल्दी नहा लेते हैं मोटर चला के और उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए सस्ताएँगे सोएंगे वो सामने, और आप इंजॉय करें इन बगलों की नकलो हरकत यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के हम फ्रेश हो लिए, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। वक्त हो गया चार का, तकरीबन दो घंटे मैंने सो लिया और मोटर हमने चला लिया सब्जी को पानी लगाने के लिए। और अब क्योंकि पानी लगाना है सब्जी को और साथ ही हमें सब्जी भी तोड़नी है, तो मैं ये बर्तन उठा के ले आया और इसमें तोड़ते हैं अब सब्जी। अब मेरा काम ये है कि जिस भी क्यारी में पहले पानी पहुंचेगा उससे पहले पहले मुझे उस क्यारी में से सब्जी तोड़नी है, और इस क्यारी में सबसे पहले पानी लगा और यहाँ पर लगे हुए हैं करेले। मेरे सब्जी तोड़ना स्टार्ट करने से पहले पानी जो पहुँच गया क्यारी में, तो हम जल्दी जल्दी अब सब्जी तोड़ लेते हैं। ये देख कितना प्यारा करेला था लेकिन पक गया, ये मिला मुझे पहला करेला। ये रहा दूसरा, इसे भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी खाम खा पक जाते हैं बाद में। वैसे ये वाला जो है वो छोड़ा जा सकता है नेक्स्ट बारी में, और इसको छोड़ने के साथ साथ ये देखें कितना प्यारा छुटकू सा एक करेला है। ये देखें माशाल्लाह मजीद लग रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये वाला तोड़ लेते हैं कि ये ख़राब हो रही है इसकी शेप, तो ये पक सकता है माशाल्लाह। ये होते हैं करेले, और करेले के अलावा यहाँ पे लगी हुई है भिंडियाँ इस खेल पे, ये भी तोड़ लेते हैं। नेक्स्ट बारी तक ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जानी, इसको भी तोड़ लेते हैं। हम यहाँ फ्रेश फ्री अपने हाथों से पौधों से तोड़ रहे हैं भिंडियाँ, और मार्केट में इस टाइम भिंडी का रेट तकरीबन 200 रुपये पहुँचा हुआ है माशाल्लाह, हमें घर से मिल रही है फ्री। कद्दू हमने कल तोड़ लिए थे, तो आज करेले भिंडियाँ और टमाटर ही मिलेंगे। ये करेला जो पका हुआ था ये भी तोड़ लिया हमने कि इसमें से बीज निकाल लेता है, तो आपको बताते हैं इसमें से बीज कैसे निकालते हैं। और धनिए का फूलों से बीज बनना शुरू हो गया ऊपर। यहाँ पे टमाटरों के अलावा कुछ बेले करेलों की भी हैं, तो करेले भी यहाँ पर नज़र मारनी पड़ेगी कोई मिल जाए। वैसे एक फ़ायदा होता है वीडियो बनाने का कि बाद में वीडियो एडिट करते हुए मुझे फिर से एक दफ़ा नज़र मारने का मौका मिल जाता है कि कहाँ पे कोई चीज़ रहेगी। तो आज मैंने वीडियो एडिट करते हुए दो टमाटर आके तोड़े हैं बेलों से जो कर रह गए थे। टमाटर तो कोई नहीं मिला लेकिन जो चीज़ मुझे मिली है वो देखें आप ज़रा माशाल्लाह। ये है ना करेला, देख के मुँह में पानी तो आपके भी आ ही गया होगा जैसे मेरे आया माशाल्लाह। स्टफ्ड करेला बनाने वाला है ये वैसे ही, और ये अकेला ही नहीं था, वो ऊपर भी लगा हुआ है। अब उसके लिए मुझे कैमरा जो है वो जेब में रखना पड़ेगा। और अब बारी आ गई टमाटरों की, तो आज लग रहा है कि टमाटर जो है ना वो ना होने वाले हैं। चेक करना ज़रूरी था क्योंकि आज पानी लग जाना है यहाँ पे, तो कल का दिन भी जो है ये जगह नरम रहनी है, तो आने जाने का मसला होगा, इसलिए तसल्ली कर लेनी चाहिए।
तो ये सारी सब्जी आज की, सिर्फ एक ही टमाटर हमें मिला आज तोड़ने को। तो सब्जी तोड़ने वाला काम मुकम्मल हो गया, अब रह गया बाकी पानी लगाने वाला सब्जी को। और जब तक पानी लग रहा है साथ साथ हम बर्तन भी धो लेते हैं, ताकि एक तो पानी वेस्ट नहीं होगा और दूसरा आसानी से बर्तन भी धुल जाएंगे खुले पानी में, क्योंकि हम नए नए डिश वॉशर हैं तो हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता। बर्तन धोने का पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, साबुन वगैरह मैंने लगा लिया, अब इन्हें मार दिया पानी और अपनी इस ड्यूटी को भी जो है वो सर अंजाम दे के हमारी छुट्टी। आज के दिन का आखिरी काम करेला जो हमने तोड़ा था बीज के लिए, इसमें से बीज कैसे निकालना है ये आपको बता देते हैं। बीज निकालने के लिए करेले का हम कोई ऐसी सरफेस का इस्तेमाल करेंगे जिसमें नमी वगैरह का जो है वो चांस ना हो। इस तरह की जगह पे खुश्क होने के लिए सूरज की रोशनी में जो है वो इसी तरह रख देंगे। और ये बाकी का करेला जो वो जाया है, और अब इंतज़ार करेंगे ये जो बीज है इनके खुश्क होने का सूरज की रोशनी में। और जितनी ज़्यादा धूप है ये तकरीबन बीज 1 से 2 घंटों में अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में हम इनको काश्त भी कर सकते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।